कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। सुबह 7 बजे राहुल बोदरली गांव पहुंचे। महाराष्ट्र के जलगांव जामोद से सुबह 6 बजे राहुल गांधी का काफिला रवाना हुआ था। यहां पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश में यात्रा के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी गरीबों के लिए आवाज उठाते नजर आए। सुनिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा। तरीका क्या है बीजेपी का? सबसे पहले डर फैला। किसके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर। जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना करकर। मजदूरों के दिल में डर। कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा के पंधाना विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने जन नायक टांट्या मामा की जन्मस्थली पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जनजातीय गौरव यात्रा की शुरुआत की। पेसा एक्ट को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान एक मास्टर के रूप में दिखे। उन्होंने जनता को पेसा कानून का पाठ पढ़ाया। इसके अलावा यहां सीएम शिवराज का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। वो यहां आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ डांस करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनंदगांव नगरीय निकाय में बनाए गए कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने कपूर का पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री ने यहां सूर्यमुखी देवी राजकामी संपदा न्यास राजनंदगांव की ओर से हॉकी स्टिक खिलाड़ियों को वितरित की। इसके अलावा उन्होंने 5 महिलाओं को सिलाई मशीन भी दी। इस मौके पर खिलाड़ियों से बात कर मुख्यमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए तन मन और धन से खेलने को कहा। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इसे देखते हुए बीजेपी राज्य की भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को आक्रामक तरीके से घेरने की तैयारी में है। बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने लगातार आंदोलन करने की रणनीति बनाई। सबसे पहले पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी बड़ा आंदोलन कर सकती है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने जहां एक ओर भूपेश बघेल पर हमला बोला तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर ओम माथुर ने अमित शाह की गिरफ्तारी का पुराना वाक्य याद दिलाया। उन्होंने कहा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो एसआईटी ने एक्टिंग मुख्यमंत्री से घंटों पूछताछ की। गृह मंत्री को गिरफ्तार तक किया गया। प्रभारी होने के नाते उनसे भी पूछताछ हुई है लेकिन हमने तो इस पर कोई हंगामा नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने भूपेश बघेल को अहमद पटेल नहीं बनने की सलाह दी। इसके अलावा धर्मांतरण समेत कई मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये उनकी उनके ये बौखलाहट निकलती है उनके मुँह से। क्या पार्टी का सिस्टम वो बनाएंगे? क्या पार्टी के सारे निर्णय वो करेंगे? भूपेश जी वो अहमद पटेल बनने की कोशिश ना करे इस परिवार का। ये जो धारणा बनी है धीरे धीरे दिल्ली में कि अहमद पटेल जाने के बाद इस परिवार का दूसरा अहमद पटेल तैयार हो रहा है तो वो इस तरह की भाषा ना बोले। और अच्छा है, मैं तो मेरी पार्टी के भी लीडर्स को कहूँगा कि हमें बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहिए, हमें भाषा का मर्यादा वाणी का मर्यादा रखनी चाहिए। ओम माथुर के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल बनना इतना आसान काम नहीं। साथ ही सीएम बघेल ने ओम माथुर को कंफ्यूज बताया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर विश्नोई समेत 4 आरोपियों को अदालत ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया। इन आरोपियों की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को उन्हें अदालत लाया गया था। यहां ईडी ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी।
बैतूल से छिंदवाड़ा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। इसमें 3 डिब्बे पूरी तरह से खाक हो गए। पूरी ट्रेन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। बता दे, गाड़ी थोड़ी देर में छिंदवाड़ा के लिए रवाना होने वाली थी, फिलहाल वो यार्ड में खड़ी है। हादसा बुधवार दोपहर करीब 3:45 पर हुई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई और आग बुझाने का काम जारी है। फिलहाल आगजनी के कारण का पता नहीं चल सका। इंदौर अपने खानपान के लिए देश और विश्व में फेमस है और कई लोग यहाँ पर स्पेशल खानपान के लिए ही आते हैं। यहाँ इंदौर के सराफा चौपाटी और 56 दुकान अपने अलग ही खानपान को लेकर फेमस है, तो वहीं जिले में अलग अलग नाम से रेस्टोरेंट और होटल भी संचालित हो रही है। इसी कड़ी में यहाँ एक रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई जिसका नाम रखा गया मेले बाबू ने थाना थाया, जिसकी वजह से यह सुर्खियों में बना हुआ है। वही नाम रखने के पीछे अलग अलग तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट मालिक गौरव पटवा के मुताबिक उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद MBA और MBA करते समय ही उन्होंने अपने खुद के रेस्टोरेंट के बारे में सोचा था, लेकिन नाम को लेकर काफी कंफ्यूज थे।